डॉक्टर नरेश बंसल, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट यानी लीवर और पेट रोग का विशेषज्ञ हूँ। देखिए, सामान्य रूप से हम जिसे गैस कहते हैं जो पेट में कि खाना खाने के बाद भारीपन आ जाता है, डकारें आती हैं, पेट जल्दी भर जाता है, थोड़ा सा खाना खाते ही पेट में संतुष्टि जैसी फीलिंग आती है और ये या फिर बहुत ज़्यादा गैस पास होती है नीचे से, फ्लेटुलेंस बहुत होती है, तो इसे हम गैस कहते हैं। तो गैस जो है मेनली शरीर के अंदर मैथेन और हाइड्रोजन गैस मेनली होती है जो कि फाउल स्मेलिंग होती है और जिसमें बदबू आती है। ये गैस बनने के कई कारण होते हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड है, उनमें गैस अधिक बनती है। इसके अलावा हमारा खान पान इसके लिए ज़िम्मेदार है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाला और फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, चर्बी वाली चीज़ें, अगर बटर वगैरह, घी, तेल, तली हुई चीज़ें, ये सब ज़्यादा खाते हैं तो उसे पेट में भारीपन आता है और गैस बनती है। तीसरी चीज़, अगर पेट के अंदर खाना किसी वजह से ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उससे भी गैस बन सकती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप वॉक नहीं करते हैं, आपका शरीर भारी है, वज़न ज़्यादा है, पेट पर वज़न ज़्यादा है स्पेशली, तो आपको गैस बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो गैस ना बने और गैस से हम बचे रहें, इसके लिए हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए जिसमें हमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक संतुलित मिश्रण हो। फैट का यूज़ उसमें कम करें, मिर्च मसाला, स्पाइसी फ्राइड आइटम कम से कम खाएं, वज़न को दुरुस्त रखें, रोज़ घूमने जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें या आपके पसंद का गेम खेलें जैसे बैडमिंटन है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, व्हाटएवर, और अपना जो अल्कोहल और स्मोकिंग जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं उनसे दूर रहें। अगर आपको कब्ज रहती है तो फाइबर डाइट बढ़ाएं, फ्रूट सैलेड का इंटेक बढ़ाएं, पानी ज़्यादा पिएं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको डायबिटीज़ और थायराइड है तो आप उसको कंट्रोल में करके रखें।